पूरी प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? पूरी प्रशासन की लापरवाही है इसमें, जिसमें जिला कलेक्टर भी इन्वॉल्व है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करती है कि अंगदान करें, लेकिन मैं आपसे आज इस परेशानी, दो दिन की परेशानी भुगतने के बाद मैं कहता हूं कि कोई अंगदान न करें। और मैं तो आज के इस डिसीजन, जो ये पूरा प्रकरण हुआ, हम तो आज ये सोच चुके हैं आगे से अंगदान के लिए काम ही नहीं करेंगे, हम बंद करेंगे। आप अंगदान के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पूरी मानस बना चुका, मेरी टीम का भी ये मैसेज अभी आया कि अपन ने दिन भर से, अपन तीन दिन से हम लगे हुए हैं, दो तीन दिन से वो परेशान हो रहे हैं, तो हम ऐसे तो कैसे काम करेंगे। विशाल के लीवर काम आ सकता था, एक व्यक्ति को लीवर लग सकता था, है ना, उसको उसका हार्ट लग सकता था, और किडनी उसकी दो अलग लोगों को लग सकती थी, पैनक्रियाज उसको अलग लग सकता था, और शायद अगर थोड़ा और पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुई तो शायद उसकी आईज भी काम आ सकती थी, मतलब छह जिंदगियां कम से कम, और फेफड़े भी, उसके लंग्स भी काम आ सकते, तो हम मानते हैं छह से आठ लोग तो जीवित आराम से रहते। स्वागत है आपको मीडिया हाउस राजस्थान में। सरकार हजारों करोड़ों रुपए का खर्च करके विज्ञापन देती है और कहती है कि अंगदान महादान है, लेकिन जब कोई शख्स इस मानवीय पहल के लिए आगे आता है तो सरकार खुद उसकी व्यवस्था नहीं कर पाती कि कोई शख्स प्रॉपर तरीके से अपने परिजन का या अपने घर वाले का अंगदान कर सके, जिससे बाकी लोगों की जिंदगियां बच सकें। कोटा शहर में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीते दिन एक युवक विशाल का दुखद निधन हो गया था और उनके पिताजी अंगदान करने के लिए लगातार भटक रहे हैं, आगे होकर पहल कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, नरेश जी, बताइए क्या क्या समस्याएं आई आपको अब कल से? सर, प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है हमारा, और जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि आपको इसकी डेथ बॉडी को जयपुर ले जाकर के अंगदान करने होंगे, जबकि दो दिन पहले मुझे ये बोला गया था कि ये अंगदान कोटा में ही हो जाएंगे। अगर उनको वो दो दिन पहले मुझे ये बात कहते तो अभी तक मैं इनके अंगदान करके और इनका संस्कार कर चुका होता, लेकिन अब मैं जो है जयपुर जाने के लिए एग्री नहीं हूँ। मैं अंगदान करना चाहता हूँ लेकिन ये कोटा में ही करना चाहता हूँ, और ये आज अगर अंगदान नहीं होते हैं तो इसका प्रशासन जिम्मेदार है, जिला कलेक्टर जिम्मेदार हैं, और मेडिकल कॉलेज के सारे प्रोफेसर जिम्मेदार हैं, पूरा इनका जो पूरा तंत्र है वो जिम्मेदार है इस पर। तो ये इनका निधन कब हुआ और उसके बाद आपने जब डिसाइड किया कि अंगदान? इनका निधन कल सुबह 9 बजे हो गया था, और मैंने 2 बजे इनको डिक्लेयर कर दिया था, कल दिन के 2 बजे, कि मैं ये अंगदान करना चाहता हूँ। हाँ। और अभी रात दूसरे दिन 8 बजे तक भी, मतलब 28 घंटे बाद भी अभी निर्णय नहीं ले पाए कि साहब ये अंगदान कोटा में होगा या जयपुर में होगा। प्रशासन, तो जब आपने फिर 2 बजे के बाद टाइम दिया कि 2 बजे आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आपकी किससे तब बात हुई, कल के दौरान किससे बात हुई? किसी प्रशासन का कोई आया हो कि आप करना चाहते हैं तो हम पूरी व्यवस्था करवाते हैं? ये तो जो इन्होंने डॉक्टरों की जहाँ पर जो टीम बना रखी है, डॉक्टर सरदाना जी उसके जो अध्यक्ष हैं, उनकी टीम से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि भाई जो है आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और शाइन इंडिया के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने आकर के हमें इस चीज़ के लिए बोला कि भाई आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आप इसके लिए एग्री हैं। मैंने उनको यस किया, और इसके बाद में जो है आज जो है हमारे को ये बताया गया कि आपको जयपुर ले जा करके ही करना होगा। तो ये 28 घंटे बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से इसको लेकर के बैठा हूँ, अब मैं इससे अधिक नहीं लेकर बैठ सकता हूँ। 28 घंटे बाद आपको किसने कहा कि जयपुर लेके जाइए? ये नीलेश जैन जी जो नोडल ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है मेडिकल कॉलेज के। कोटा में क्यों नहीं हो सकता, इसकी कोई वजह आपको बताई होगी उन्होंने? इसकी वजह उन्होंने बताया कि परमिशन केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलेगी एक दिन के लिए इसकी परमिशन, क्योंकि अभी कोटा में तो होता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने कल तो मेरे को ये बोला था कि हम एक दिन की परमिशन ले लेंगे इस चीज़ की, लेकिन अब आज ये बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं मिल रही है। तो पूरा 2 दिन से आपके सामने पूरा सरकारी सिस्टम निकल के सामने आ गया कि क्या है अंगदान को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बातें ऐसी भी चल रही थी कि चिकित्सा मंत्री से भी बात हो गई है, कलेक्टर ने पीएम से या सीएम से जाने किस किस से बात कर ली है? अब ये सर अंदरूनी उनकी बातें हैं, उन्होंने किससे बात की किससे बात नहीं की, लेकिन जिला कलेक्टर से मेरी 17 मिनट बात हुई है, जिला कलेक्टर ने मेरे को साफ तौर पे मना कर दिया है कि नरेश जी ये काम कोटा में नहीं हो पाएगा, आपको जयपुर ही लेके जाना पड़ेगा।
तो जयपुर ना ले जाने के पीछे वजह है भी कुछ बताइए। मैं दो दिन से लेकर के बैठा हूँ ये चीज़, अगर दो दिन पहले मेरे को क्लियर कर दी होती गई होती तो मैं शायद अभी इसके अंगदान करके वापस आ चुका होता। मैं दो दिन से मेरे परिजनों को साथ में लेकर के बैठा हूँ, मैं परिजनों को कब तक सांत्वना दे करके बिठाए रखूँगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरा पर्सनल डिसीजन था। पूरी प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? पूरी प्रशासन की लापरवाही है इसमें, जिसमें जिला कलेक्टर भी इन्वॉल्व है। जो उसके दोस्त आए हुए हैं विशाल के, वो आक्रोशित हैं कुछ की वो कह रहे हैं? वो आक्रोशित हैं, लेकिन मैंने उनको रोक के रखा है, क्योंकि ये अपनी दुख की घड़ी है, इसमें अपन को कुछ नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो कदम है, लेकिन प्रशासन इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करती है कि अंगदान करें, लेकिन मैं आपसे आज इस परेशानी दो दिन की परेशानी भुगतने के बाद मैं कहता हूं कि कोई अंगदान न करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, ये सभी अंगों को दान करने का विचार आपके मन में आया कैसे? क्योंकि मेरी पत्नी की 6 साल पहले किडनी के अभाव में डेथ हो गई थी, तो मेरे को तब से ये था कि अंगों की बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये नरेश जी हैं, बेटे के को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी तंत्र हैं, वो ये बता पाने में असक्षम है कि आखिर यहाँ पर अंगदान क्यों नहीं होता। बताते भी हैं तो 28 घंटे बाद जब वहाँ पर ले जाने की व्यवस्था नहीं होती, दो दिन से ये आगे होकर भटक रहे हैं कि हम अंगदान करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का हर एक अमला पूरी तरह से लाचार है और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो अगली बार अगर आपके पास ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई विज्ञापन आए जहाँ पर अंगदान को महादान बताया जाए, तो एक बार इस वीडियो को देख ले। यहाँ नहीं हो सकता अंगदान, क्या है देखिए, पिछले करीब हम लोग 8 साल से पूरे कोटा संभाग में नेत्रदान अंगदान के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और अंगदान की हम बात करें तो पिछले 2 साल पहले से जो केसेस, जो सरकारी तंत्र के अंदर जो कमियां चल रही है, उसके तहत ये हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज से कुछ लेटर्स निकलने हैं जो कि राज्य सरकार के पास पहुँच रहे हैं, राज्य सरकार के बाद फिर वहाँ से एक इंस्पेक्शन की टीम आनी है, और वो इंस्पेक्शन की टीम आने के बाद ये काम बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे राजस्थान में कोटा के लिए एक सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पे एक ब्रांडेड कमेटी थी जो पूरे राजस्थान में सिर्फ कोटा के अंदर है। ये कब थी कमेटी? कमेटी को बने हुए आज पूरे 4 साल हो गए, लेकिन 4 साल में 4 मिनट का काम नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक कागज जो कि जयपुर तक पहुंच रहा है यहाँ से, पिछले 1.5 साल में वो कागज यहाँ से नहीं पहुंचा है, उसकी वजह से आज जो परेशानी हो रही है ना, उसके पीछे मेन कारण वही है, नहीं तो आज इस परिवार को परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ता। बाकायदा आराम से जयपुर की टीम आती है और ऑर्गन रिट्रीव करके आराम से लोगों को लगा सकती है। इनके जैसे कितने सारे परिवार हैं जो परेशान होते होंगे? करीब करीब आप देखिए ना कि करीब अगर हम बात करें तो किडनी और लीवर के जो पेशेंट्स करीब 50,000 से ज़्यादा हैं जो पूरे भारत के अंदर परेशान चल रहे हैं, और इसी तरीके से हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी करीब 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो ये मतलब कौन सा अंग है जो कोटा में डोनेट हो सकता है और जो जिसकी व्यवस्था कोटा में नहीं है? देखिए, कोटा में इस बच्चा का जिसके हम बात करें विशाल, जो कि एक देव पुरुष के रूप में हमारे सामने आया था, हम अगर सबकी कोशिश रहती तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं था, है ना, ये मुश्किल मान सकते लेकिन नामुमकिन नहीं था, लेकिन जिस तरीके के हालात बने उसमें यदि थोड़ा सब लोग आते, कलेक्टर साहब का अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं हुआ। इनको बात करें हम लोगों को करीब शायद 10 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, दिन में भी हम लोगों ने उनसे सूचना पर बात करी, इन्होंने तो कलेक्टर साहब को एक बार शायद यहाँ आते तो शायद कुछ और आगे से मामला बढ़ पाता। तो इस बच्चे के विशाल के लीवर काम आ सकता था, एक व्यक्ति को लीवर लग सकता था, है ना, उसको उसका हार्ट लग सकता था, और किडनी उसकी 2 अलग लोगों को लग सकती थी, पैनक्रियाज उसको अलग लग सकता था, और शायद अगर थोड़ा और पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो शायद उसकी आईज भी काम आ सकती थी, मतलब 6 जिंदगियां कम से कम, और फेफड़े भी, उसके लंग्स भी काम आ सकते, तो हम मानते 6 से 8 लोग तो जीवित आराम से रहते। तो हम, हमारे लिए, हमने इस बच्चे को तो खोया ही सही खैर, लेकिन मैं नरेश जी का और उनके पूरे समाज का और पूरे घर का अपने संस्था की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी पहल इन लोगों ने सोची, जहाँ एक तरफ लोगों को हम समझाने में हमें टाइम लगता है, आज ये परिवार अगर इतना कुछ आगे चलकर आया है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन की गलतियों की वजह से। नरेश जी के इस परेशान होने के बाद कौन परिवार आगे आएगा? मुझे नहीं लगता कोई आएगा, मैं खुद 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैं 2 केस ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ। एक सिद्धार्थ सिंह करके एक पेशेंट था बच्चा, जिसको भी हम जयपुर लेके गए थे, एक अनिरुद्ध करके एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स को हमने यहाँ मना किया। तो जब तक क्या सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, काम हो ही नहीं सकता। तो ये जो सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि अंगदान कीजिए, महादान कीजिए, तो ये क्या है? देखिए, मैं भी इस बारे में प्रशासन को लिख भी चुका हूँ, और अभी मैंने ये वही लेटर, अभी मेरे साथ में यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, उनको भी मैंने दिखाया कि मैंने केंद्र सरकार में भी ये लेटर बहुत सख्ती से लिखा कि अगर आप लोग इसमें हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये अंगदान अभियान का जो एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें मोदी साहब का भी एडवर्टाइजमेंट आता है और भी जो दूसरे अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनको कोटा में दिखाना और उनके एडवर्टाइजमेंट रेडियो में आना सब बंद कर दीजिए।
अच्छा, तो क्या कोटा में हमारे पास ऐसे हाई क्वालिटी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और सुविधाएं हैं कि हम ये सब यहाँ शुरू कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेने के लिए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की पूरी टीम आती है। वो टीम आके पहले इंस्पेक्शन करती है क्या ये अस्पताल उस लायक है या नहीं है, उसके बाद उनको वो लाइसेंस देती है और उसके बाद वो काम यहाँ पर हो सकता है। प्रशासन के कुछ मेन वीक पॉइंट्स बताइए इस केस। देखिए, प्रशासन की जो कमियां रही सबसे पहली, जो कि हम सिद्धार्थ सिंह के टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहकर आए थे कि सर अगर आप 5 से 7 दिन के अंदर अगर कोई ये NTORC नहीं बनाया गया, नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर यदि मेडिकल कॉलेज कोटा को नहीं बनाया गया तो हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। उसका नतीजा निकला कि जिस दिन हम सिद्धार्थ सिंह की डेड बॉडी कोटा लेकर आ रहे थे तो हमारे साथ उनकी प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर आई और संडे के दिन पूरा मेडिकल कॉलेज खुला और उसके बाद सारा इंस्पेक्शन हो गया और उस दिन भी फिर उन्होंने 2-3 कमियां निकाली। वो 2-3 कमियां सर 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई पूरी नहीं हुई है। तो ये कहां से हो रहे हैं हम लोग, 3 कमियां निकाल के उनको सिर्फ बताना था आगे, अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे तो हम फिर कैसे आगे काम करें, हम भी काम नहीं कर सकते। और मैं तो आज के इस डिसीजन जो ये पूरा प्रकरण हुआ, हम तो आज ये सोच चुके हैं आगे से अंगदान के लिए काम ही नहीं करेंगे, हम बंद करेंगे। आप अंगदान के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पूरी मानस बना चुका, मेरी टीम का भी मैसेज अभी आया कि अपन ने दिन भर से 3 दिन से हम लगे हुए 2-3 दिन से वो परेशान हो रहे हैं, तो हम ऐसा तो कैसे काम करेंगे हम लोग अंगदान के लिए? बिल्कुल आप आगे नहीं आएंगे। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि देखिए कि पहले सबसे पहले सिस्टम का डेवलप करना पड़ेगा। मैंने भी इनके परिवार से ही मदद चाहूंगा कि पहले तो ये इस माहौल से बाहर निकले, उसके बाद हम खुद एक कोशिश करें कि कलेक्ट्रेट में जाके धरने पे बैठे, क्योंकि जब तक तो धरने पे नहीं बैठेंगे किसी को फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा डेटा या आपके ऐसी बरबली हो कि कितने सारे लोग मतलब ऑर्गन ना होने की वजह से मरते हैं इंडिया में हर साल? देखिए, अभी मैं अगर पूरे भारत की बात ना करूं, मैं तो सिर्फ कोटा की बात करूं, तो हमारा जो कोटा जोन है वो एक्सीडेंटल जोन में, हम लोग ना जिस तरीके की कोटा की भौगोलिक स्थिति है, हम लोग जिस तरीके से कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के सेंटर में हम लोग, हमारा जो कोटा है और हम लोग एक हाईवे के ऊपर हमारा है, प्रति माह हम बात करें तो करीब 30 से 40 डेथ प्रति माह ऐसी होती है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होती है। उनमें से मानते हैं कि 10 से 12 डेथ पर प्रति माह ब्रेंडेड होती है। ठीक है, यदि अगर ये अंगदान अभियान सरकार बहुत ढंग से चलाए तो मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर कोटा राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत में सिर्फ कोटा से ही इतने जागरूकता फैल जाएगी कि यहाँ के अंग दूसरी जगहों पर लगाए जा सकते हैं। अब आप सोचिए, 12 अंगदान 12 ब्रांडेड प्रति माह हमें मिलती है, ठीक है, उनसे हमें 10 लोगों के भी ऑन एंड एवरेज हम जिंदगी मानते हैं कि 10 लोगों का जीवन बच रहा है, तो हम कहीं ना कहीं 120 लोगों को जीवन दे सकते थे, वो हम खो रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम 120 लोगों को प्रतिमा मार भी रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, इवन जीवन जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के जितने भी अधिकारी जिनकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। अपना नाम और अपनी? मेरा नाम डॉक्टर कुलवंत गौड़ है और मैं पिछले करीब 8 वर्ष से शाइन इंडिया फाउंडेशन नाम से एक संस्था हम चला रहे हैं और अब तक हम लोग करीब 350 जोड़ी से ऊपर नेत्रदान पूरे संभाग से ले चुके हैं, 500 लोगों को लगवा चुके हैं। राजन